हेलो एवरीवन, आपका अंजिशा स्टडीज़ में स्वागत है। गाइस देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे जो भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है उसके रिगार्डिंगली जो भी क्वेश्चन है उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। और देखिए, इससे पहले हम थोड़ा इसे पैराग्राफ फॉर्म में देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके, और उसके बाद हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो देखिए, राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पत्थरों को मंगाने और तराशने का काम सितंबर 1990 में शुरू किया गया था। ओके, 70 एकड़ भूमि में 3 एकड़ में मंदिर और कॉरिडोर बनेगा। इसके अतिरिक्त 67 एकड़ भूमि में कई म्यूजियम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान भरत और भगवान गणेश के मंदिर बनेंगे। पूरा परिसर हरा भरा होगा। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में 3 दिवसीय वैदिक अनुसंधान 3 अगस्त से शुरू हुआ है और 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ समाप्त हुआ है। तो गाइस, अब ध्यान रखिएगा, 3 अगस्त को अनुसंधान शुरू हुआ और 5 अगस्त को समाप्त हुआ। अयोध्या के 8 पुजारी, ओके, वाराणसी और दिल्ली के 5-5 पुजारियों ने भाग लिया इसमें, और तमिलनाडु के कामी कोची के 3 पुजारियों ने मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि में अनुसंधान किया है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी है। ओके, कब रखी थी? 5 अगस्त को, जिसका निर्माण 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले होने की संभावना है। ओके, मोदी समारोह में उपस्थित 175 लोगों में से एक थे, यानी हम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस समय जो समारोह हुआ उसमें 175 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक हैं, यानी कि सिर्फ 175 लोगों ने इस अनुष्ठान में भाग लिया है। उन्होंने सिर्फ 4 अन्य लोगों, RSS प्रमुख मोहन भागवत, ओके, ट्रस्ट प्रमुख नृत्य गोपाल दास महाराज, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इसको भी आप लर्न रखिएगा, और CM योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा किया है। चलिए हम क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं हम इनको, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके। अयोध्या कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है गाइस? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था गाइस? फैजाबाद, आप लर्न रखिएगा इसको। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितने फीट होगी? जो राम मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में, उसकी ऊंचाई कितने फीट होगी गाइस? 161 फीट। ओके, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? कौन सी कंपनी करेगी गाइस? L&T कंपनी। ओके, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? कौन है गाइस? चंद्रकांत सोमपुरा। तो इसे भी लर्न रखिएगा कि वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अभी देखिए, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था गाइस? 1528 ईस्वी में। अयोध्या यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या भेंट दिया गया है? कोदंड राम और 1 फुट की लवकुश की प्रतिमा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा गाइस? नागर शैली में। तो शैलियाँ भी पूछी जाती हैं कि कौन से मंदिर कौन सी शैली में बने हैं, तो आप इसको भी लर्न रखिएगा। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? मीर बाकी। ओके, अभी देखिए, राम मंदिर निर्माण के समय टाइम कैप्सूल कितने फीट नीचे रखा जाएगा गाइस? देखिए, 200 फीट नीचे रखा जाएगा। आप देखते हैं टाइम कैप्सूल क्या है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है, यह हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। आमतौर पर भविष्य में लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पुरातत्व विधियों या इतिहासकारों को स्टडी करने में मदद मिलती है। ओके, और भविष्य में मंदिर से जुड़े तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो, इस कैप्सूल में मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी तथ्यों के बारे में जानकारी होगी। अभी देखिए, लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर, ओके, सरयू नदी के किनारे स्थित होने वाली भगवान श्री राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी? 250 मीटर। ओके, अभी देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन आपको उसकी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरयू नदी के किनारे पर स्थित होने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति जो कि 250 मीटर ऊंचाई की होगी, वो कौन से हवाई अड्डे के पास में बनाई जाएगी?
तो गाइस कौन से, लखनऊ गोरखपुर हवाई अड्डे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। लंबाई 4 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 500 मीटर होगी। अभी देखिए वर्तमान समय में राम लला के मुख्य पुजारी कौन है, आचार्य सत्येंद्र दास जी। ओके, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया, 5 अगस्त 2020 में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है गाइस, सरयू नदी के किनारे स्थित है। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी, 141 फीट। ओके, अभी देखिए बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था, 6 दिसंबर 1992 में। अयोध्या राम मंदिर में पदों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है, तो कितनी कर दिए गए, 360। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिला होगा, 3 मंजिला बनेगा मंदिर। ओके, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा, 300 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा आप गाइस, अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे, 3.5 साल। ओके, 3.5 साल। देखिए अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था, 2.77। ओके, अभी देखिए अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी, 40 दिन। तो लर्न रखिएगा आप गाइस, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था, तो कितने जजों की बेंच ने सुनाया था, 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद के इस फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है, 5 एकड़। ओके, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया है। अयोध्या स्थित मंदिर, सॉरी अयोध्या में स्थित जो मस्जिद है का नाम क्या था, बाबरी मस्जिद। देखिए बाबर ने बनवाई थी और मीर बाकी उसका सेनापति था। 25 अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर है। ओके, तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया गाइस, 9 नवंबर 2019 में। ओके, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली है, 40 दिन। ओके, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। बाबर के बेटे का नाम क्या है, हुमायूं, और जानते हैं अब हुमायूं के बेटे का नाम अकबर। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बाबर भारत कब आया था, 1526 में बाबर आया था और 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। अभी देखिए अयोध्या मामले की सुनवाई में कौन कौन से न्यायाधीश आएगा, कि कौन कौन से न्यायाधीश शामिल थे, तो देखिए न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण, ओके, न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर, न्यायाधीश BY चंद्रचूड़। ओके, तो ये अयोध्या मामले के सुनवाई में न्यायाधीश थे, जो कि कितने थे, 5 न्यायाधीश थे। आप इनको भी लर्न रखिएगा, बिकॉज ऑफ ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज़ ये थी आज के हमारे, जो कि राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है उसके रिगार्डिंगली कोई भी पेपर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर सपोर्ट।